जहां मध्य प्रदेश की राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव के संकेत सामने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हां, मंत्री इंदर सिंह परमार बन सकते हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष। यह बात सूत्रों के मुताबिक से पता चल रही है। इंदर सिंह परमार को अचानक राजधानी भोपाल बुलाया गया है। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का आज हो सकता है ऐलान। ये बात भी हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले और साल 2022 के अंतिम दिन बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो भाजपा संगठन में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को हटाकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का किसी भी समय ऐलान हो सकता है। जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को अचानक भोपाल बुलाया गया है। प्रदेश की सियासत से जुड़े इस अहम मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना जी। दीपक जी, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की विधानसभा शुजालपुर में कैसा माहौल है? निश्चित सुबह सुबह जो है शुजालपुर राजनीति के लिए, साथ ही प्रदेश राजनीति के लिए एक बदलाव की ओर इशारा करती नजर आ रही है। जो सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं, खबर मध्य प्रदेश को जो जानकारी अभी तक हाथ लगी वो यह है कि इंदर सिंह परमार स्कूल राज शिक्षा मंत्री को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वही वीडी शर्मा को हटाकर जो प्रदेश भाजपा की बागडोर है वो इंदर सिंह परमार के हाथों में आ सकती है। मैं आपको सुनना बता, स्कूल राज शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को यह जो जवाबदारी है निश्चित यूं ही नहीं मिल रही। निश्चित स्कूल राज शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पूर्व में जो अपना पूरा जीवन संगठन के नाम किया है, कहीं ना कहीं संगठन उन पर इस बात की ओर इशारा भी कर रहा है कि वो पूर्ण विश्वास पात्र हैं, साथ ही संगठन के विश्वास पर खरा भी उतरेंगे। तो ना मैं अगर इंदर सिंह परमार के व्यक्तिगत जीवन पर आपको बताना चाहूँ कि लगभग एक अगस्त 1964 को स्कूल और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का ग्राम पोचा में जो कालाईपल विधानसभा में आता है वहां उनका जन्म हुआ था। साथ ही इंदर सिंह परमार जो है बचपन से ही बाल्यकाल से आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। वर्ष 2002 में युवा मोर्चा कार्य समिति के सदस्य भी इन्हें बनाया गया था। वही 2004 से 2009 तक जो बीजेपी के महामंत्री भी के लिए पद पर ये रहे हैं। वर्ष 2012 में प्रदेश मंत्री का दायित्व इन्हें सौंपा गया था। साथ ही 2013 में कालाईपल विधानसभा से ये विधायक चुने गए थे। वही 2018 में इन्होंने शुजालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और ये यहाँ से भी विजय इन्हें प्राप्त हुई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2 जुलाई 2020 को इन्हें शिवराज कैबिनेट में एक अहम भूमिका दी गई थी, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री सहित सामान्य प्रशासन का इनको दर्जा दिया गया था। आज जिस तरह की सुबह खबर मध्य प्रदेश के हाथ लगी है कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को प्रदेश नेतृत्व में अहम बदलाव के लिए भोपाल बुलाया है, वो रात को ही भोपाल के लिए रवाना भी हुए हैं। हालांकि इसकी घोषणा आज दोपहर होती है, शाम होती है, लेकिन निश्चित जो सूत्र बताते हैं उससे ये तय भी माना जा रहा है कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही जो मध्य प्रदेश भाजपा को अपना एक नया प्रदेश अध्यक्ष जल्दी मिल सकता है। तो था छात्र जीवन में वो एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे और अपने देश के प्रति उनके मन में जो अटूट श्रद्धा और विश्वास था वो इतना था कि उसके लिए यदि आवश्यकता भी पड़े तो हम अपना जीवन दे सकते हैं। इस प्रकार का जिन्होंने दुनिया के मंच पर भारत को मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया था और इसलिए वो राष्ट्र पुरुष है, राष्ट्रदेव है। मैं आज के अवसर पर अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भारत माता की जय। भाई साहब, आज पहली बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के राहुल गांधी अटल जी की समाधि पर जा रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, वही कांग्रेस काफी रुचि इस कार्यक्रम में दिखा रही, क्यों? देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी दल से ऊपर थे, तो इस राष्ट्र के थे, राष्ट्र के गौरव थे और इसलिए कांग्रेस तो बहुत बाद में शुरू हुई। ऐसे राष्ट्र पुरुषों को
हमेशा ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अटल जी के जीवंत काल में भी कांग्रेस के लोग कभी अटल जी पर उंगली नहीं उठा सकते थे, और इसलिए मैं समझता हूँ कि देश के लिए काम करने वाले लोग, राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग दलों से ऊपर होते हैं, और इसलिए यदि कांग्रेस के लोग भी अटल जी को स्मरण करते हैं तो अच्छी बात है। भारत की परंपरा में अपने महापुरुषों का स्मरण करने का होता है, और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उन्होंने भारत को दुनिया के मंच पर सम्मान दिलाया था, भारत की पहचान बढ़ाई थी, सम्मान बढ़ाया था, इसलिए मैं आज के दिन को अटल जी को एक गौरव के रूप में, भारत को गौरव स्थापित करने के रूप में देखता हूँ, और अटल जी सच्चे अर्थों में देशभक्त राष्ट्र नेता थे।